एवरीवन, एवन रसोई में स्वागत है आप सभी का। वैसे एक बात है, हम सब लोग इस ज़िंदगी में ना जाने कितनी दौड़ धूप भाग दौड़ भी करते हैं और बच्चों पे भी बहुत प्रेशर डालते हैं कि पढ़ो पढ़ो कुछ बन जाओ। इवन इस ये वाला जो टाइम है सब में ऐसा है कि हर कोई इंसान भाग रहा है, बस भागता जा रहा है। और फिर सब लोग ये भी कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पे वो हैप्पीनेस नहीं आती है, वो खुशी जो एक फील होनी चाहिए ना कि लाइफ में, हाँ यार एक सेटिस्फैक्शन है, एक खुशी है। मैं बहुत सारी चीज़ों को जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो देखती हूँ कि हम सब लोग ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, वो हर तरह से उनको चीज़ें भी मिल जाती हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में एक मायूसी रहती है, एक खुशी नहीं रहती, इसकी वो तलाश करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस भागती दौड़ती लाइफ में जो हमारे साथ जो पीछे छूट गई हैं जो चीज़ें, वो होते हैं हमारे रिश्ते, वो होते हैं हमारे रिलेशनशिप। इवन आज की जो स्थिति है उसमें तो ये है कि अगर चार जने घर के अगर एक ही ड्राइंग रूम में बैठे हैं, एक ही लिविंग एरिया में बैठे हैं, तो वो सब अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने मोबाइल में बिजी है। शायद टीवी चल रहा होता है, मोबाइल सबके हाथ में होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ देखने बिजी होते हैं, तो रिश्तों की डोर तो वहीं से कमज़ोर होना शुरू हो गई है। तो जो बाकी के और रिश्ते हैं, तो जब वो रिश्तों की जब डोर टूट जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन होंगे वो लोग होंगे जो रिश्तों को बखूबी निभाते होंगे, तो एक कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन उनकी लाइफ में रहता होगा, मुझे ऐसा फील होता है। और रिश्तों को निभाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होता है लंच पे आइए, कभी हमारे साथ डिनर करिए। तो जब लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, सच में वो माहौल एक बहुत अच्छा होता है। तो एवन रसोई सब रेसिपीज़ के साथ आपके साथ आता है, सिंपल रेसिपीज़ से लेके बिल्कुल डिनर के लिए, लंच के लिए, आपके ब्रेकफास्ट के लिए, आपकी पार्टीज़ के लिए, हर तरीके की रेसिपीज़ के लिए है ना, आप ही का अपना एवन रसोई। तो चलिए रिश्तों को निभाते चलिए और लाइफ को एंजॉय करते चलिए, तो जितना भी स्ट्रेस है वो धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। तो बस चलिए अभी वक्त है आपका और हमारा, तो चलिए इस वक्त को खुशनुमा बनाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस चेताली शर्मा के साथ। हेलो चेताली, हाय रितिका, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बताइए। मैं एकदम ठीक हूँ चेताली। और वैसे भी देखो ये बात तो आप भी मानते हो कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है कि लंच साथ में कर लें या डिनर साथ में कर लें, तो उससे कहीं ना कहीं रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। और आजकल के टाइम में ये चीज़ कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो आज हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं चेताली? आज हम बनाने जा रहे हैं बनारसी आलू। ठीक है, और हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं बनारसी आलू। और देखिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ना इसमें अनियन का यूज़ करेंगे हम, ना गार्लिक का यूज़ करेंगे, लेकिन ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, जैसा कि इसका नाम है बनारसी। चलिए ठीक है शुरू करते हैं। इसके लिए हम इस साइज के आलू लेंगे जो थोड़े लंबे हों और गोल हों, और इसकी ऐसे ट्रिमिंग करके इसको एकदम स्क्वायर शेप कर लेंगे। ओके, एंड ये जो इसकी ट्रिमिंग्स की हमने विथ इसका छिलका, वो फेंकेंगे नहीं, ये हमारी अच्छा। फिलिंग के काम आएगा। ओके, ऐसे ही हम सारे आलू कर लेते हैं। इसको हम एक स्कूपर की हेल्प से अंदर स्कूप कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, और जितना भी स्कूप किया हुआ आलू है वो भी हम साइड पे रखते रहेंगे। अच्छा, फिलिंग हम इसी की करेंगे इसके अंदर। ठीक है, पूरा अंदर डेप्थ तक, मतलब नीचे पूरा एक पोलो बना लेंगे इसको, एकदम सिलेंडर टाइप से बन गया है, है ना? इसको अंदर तक हमें खाली करना है, बिल्कुल अंदर तक खाली करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है और जितने भी आलू हमने लिए थे उन सबको हमने एक शेप दी पहले, और उसके बाद स्कूपर से उनको स्कूप कर लिया है स्लोली स्लोली, और अब इन्हें डीप फ्राई करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे तेल भी गर्म कर लिया है, आइए इन्हें डीप फ्राई करते हैं। आलू सारे हो गए, हमारे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। तो आपने देखा कि जो हमने पहले तो आलूओं को फ्राई किया
और फिर जो अंदर से जितने भी हमने आलू के जो अंदर से स्कूप किया था वो हिस्सा, जो हमने आलू को ऊपर से छीला था वो वाला हिस्सा, प्लस जो आलू के छिलके हैं, इन तीनों को ही हमने वापस से डीप फ्राई किया है। और ये एकदम पतले पतले से हैं, बहुत जल्दी डीप फ्राई हो जाएंगे। इनको भी अब गोल्डन ब्राउन करना है, तो इनको यहाँ पे हम डीप फ्राई कर रहे हैं और इन्हीं की स्टफिंग तैयार करी जाएगी। तो ये बहुत डिफरेंट तरीके से बन रहे हैं बनारसी आलू। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये बन जाएंगे तो बहुत ही लाजवाब सब्जी बनने जा रही है। और साथ में सबसे अच्छी बात है, ना तो इसमें हमें लहसुन चाहिए और ना ही प्याज चाहिए। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। ये हमारे छिलके भी फ्राई हो गए हैं, ठीक है। पूरा ऑयल स्ट्रेन करके ओके इसको निकाल लेंगे। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे, ठीक है। हमने जो फ्राई किए हुए आलू हैं इनको बहुत बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छा, इन्हीं की स्टफिंग तैयार करेंगे हम। स्टफिंग हम रेडी करेंगे। कितना अच्छा क्रंच आ रहा है इसके अंदर। पेस्ट रेडी किया है जो कि हमने पुदीना और धनिया और हरी मिर्च और अदरक। अच्छा, तो इसमें चैताली आपने कितना धनिया कितना पुदीना लिया है? थोड़ा थोड़ा सा, सब चीजें इक्वल क्वांटिटी में, और थोड़ा सा उसमें नमक और हींग डाल के एक चटनी जैसा बना लिया। इनफैक्ट ओके, बनारसी आलू है तो उसमें मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये अपन ने चटनी इसमें ऐड कर दी बाइंडिंग के लिए। साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला, ठीक है। थोड़ा सा नमक डाला ओके, और हमने इसमें काजू और किशमिश काट के रखे हुए थे ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। काजू किशमिश लिए हैं, साथ में ऊपर से नमक और लाल मिर्च भी डाल दिया है आपने, ठीक है। और आप इसको अच्छे से मिक्स कर रही हैं तो ये स्टफिंग रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि एक हमने पेस्ट तैयार किया, पुदीना लिया, धनिया लिया, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची ली और उसको हमने पेस्ट तैयार कर लिया। तो इसमें पुदीने का क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वो जो पेस्ट है वो तो हमने इन फ्राइड छिलकों में डाल ही दिया, उसके साथ हमने नमक मिलाया और थोड़ी सी लाल मिर्ची मिलाई, सबको अच्छे से मिक्स किया। और जो बनारसी आलू हमने तले थे, जो हमने आलू तले थे उसमें हमने पूरी स्टफिंग को बहुत अच्छे से स्टफ किया है। अब इस स्टफिंग के साथ इसकी ग्रेवी तैयार होगी। हमने अब दो पैन रख दिए हैं, एक तो हम इसमें छौंकन लगाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, ठीक है। और ग्रेवी हमारी इसमें बनारसी आलू का एक होता है कि इसको सिर्फ देसी घी में ही बनाया जाता है। अच्छा, जो देसी घी में बनने से इसका फ्लेवर्स होते हैं वो और एनहेंस हो जाते हैं। ओके, ठीक है। दूसरी कढ़ाई में हम ये जो आलू स्टफ किए हैं उनको शैलो फ्राई करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही रॉयल सब्जी है। हाँ जी, अभी आलू हम काट लेंगे छोटे छोटे स्लाइसेस में। अच्छा, ठीक है। अगर कोई ऐसे निकल जाए तो उसको बाइंड कर देंगे, हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अंदर हम ये आलू डाल देंगे और इनको बहुत स्लो आंच पे हल्का सा भूनेंगे, ठीक है। हम दही के अंदर सारे मसाले मिला लेंगे। ये हमने दही लिया है, इसको हल्का सा फेंट लिया है और ये हम तैयार कर रहे हैं इसकी ग्रेवी की। हाँ, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, धनिया, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जीरा पाउडर, ये भुना पिसा जीरा पाउडर है, भुना पिसा जीरा पाउडर है। इसको मसाले को अच्छे से चला, ये हमारा घी गरम हो गया है। हाँ जी, इसमें हम तेज पत्ता, दालचीनी, ठीक है, लौंग और काली मिर्च और एक साबुत। अच्छा, साथ ही हम इसमें जीरा डाल देंगे,
ठीक है, थोड़ी सी हींग डालेंगे इसमें। इसमें ये दही वाली ग्रेवी डाल देंगे। ठीक है, बनारसी आलू जब भी आपको मौका मिले, टाइम मिले, आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और अभी हाल फिलहाल चैताली जिसकी ग्रेवी को है वो घुमाती जा रही हैं ताकि दही फटे ना, इसीलिए वो उसकी ग्रेवी को बना रही हैं। अब आगे देखते हैं क्या करना है। हमारी ग्रेवी पक रही है, अब इसके अंदर हम काजू का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, हमने 8-10 काजू लिए हैं और उनका पेस्ट बना लिया है। ठीक है, थोड़ी सी सब्जी डालते हैं, ग्रेवी डालते हैं काजू की, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देंगे, धनिया भी डाल देंगे कटा हुआ। और जैसे जैसे ग्रेवी पकती जा रही है उस पर रंगत बहुत ही खूबसूरत आती जा रही है, जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। उसके घी के कारण। हाँ जी, बहुत जल्दी फैट रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये रेडी हो चुकी है। हाँ, ऑलमोस्ट रेडी है। इधर ये हमारे आलू भी रेडी हो गए हैं। ठीक है, अभी इसमें हम ग्रेवी भी ऐड कर देंगे। हमारे ऑलरेडी पक चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू यहाँ पर महक रही है। बनारसी आलू जो है वो रेडी हो चुके हैं, लाइए। वाओ, इट्स लुक्स वाओ, बहुत दिखने में सुंदर है, साथ में खुशबू इस पर बहुत अच्छी आ रही है, कलर वलर इतना अच्छा आया ना। और मतलब जिस ढंग से इसको तैयार किया गया है, आपने खुद ने फील किया होगा उस चीज़ को कि जो बनारसी आलू है वाकई में ही कितने जायकेदार बने होंगे। तो चलिए मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। गर्मा गर्म चपाती हो और या फिर कोई लच्छेदार पराठा हो तो मज़े ही आ जाएंगे। फैंटास्टिक। इसमें आज जो स्टफिंग है वो एक अलग खाने में फील हो रही है, साथ में ग्रेवी इसकी सुपर बनी है। तो ये बनारसी आलू जब भी आपको मौका मिले, टाइम मिले, ज़रूर से बनाकर देखिएगा। कुछ बातें हैं इसे पेस्ट कैसे बनाया, ग्रेवी कैसे बनाई, उनका आप ध्यान रखिए और ज़रूर से बनाएं। और हम आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एवन रसोई में ब्रेक के बाद एक बार फिर से वर्तिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है और हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी। नाम सुन के मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, इसका नाम है मैंगो स्टफ आइसक्रीम। पहली बात तो मैंगो का मौसम आ चुका है और जब मैंगो की आइसक्रीम होती है उसकी तो बात ही निराली है, और जब वो बनी हो एक डिफरेंट स्टाइल से, वो भी घर के अंदर। आइए सीखते हैं चैताली से और जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसको तैयार किया है। तो चैताली, जैसे आपने बताया कि आप मैंगो स्टफ आइसक्रीम आप तैयार कर रही हैं, तो जो ऐसे मैंगो आते हैं उनके साथ इसके स्टफ करा जाएगा। हाँ जी, मैंगो के अंदर ही आइसक्रीम की स्टफिंग की जाएगी। और सेम तरीके से हम किस और फ्रूट में उसको तैयार कर सकते हैं? हम ऑरेंजेस में कर सकते हैं, अनार में कर सकते हैं। ओके, और लेकिन उसके लिए इतने इस साइज के मैंगो जो कि स्पेशली ओ वाओ दिस इज सो क्यूट, ये छोटे छोटे से मैंगोज है। आपने आप देखिएगा मार्च और अप्रैल में इस साइज के मैंगोज मिल रहे हैं। हाँ जी, और ये थोड़ा टाइम के लिए आते हैं, बिल्कुल टाइमिंग के लिए। तो दिस इज द परफेक्ट सीजन ओके बनाने के लिए। ओ वाओ, दैट्स वेरी नाइस। बनाना शुरू करते हैं। ये हमने दूध बॉइल करने रख दिया है, ये 1/2 लीटर दूध है। इसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी केसर डाल दी है। अच्छा, ठीक है, पहले 15 मिनट अप्रॉक्स हम लगेंगे इसको रिड्यूस करने में। बेसिकली हम इसके कुल्फी बनाएंगे। अच्छा, गाढ़ा पर जो रबड़ी बनती है दूध की,
वो वाली। हाँ जी ठीक है। तो चेताली हमें इसको कितना पकाना है, मतलब एकदम हाफ करना है या और कम करना है? ये एकदम रबड़ी की कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठंडा करके और इसके अंदर मैंगो का पल्प मिलाएंगे। अच्छा ठीक है, तो हम पहले इंतज़ार करते हैं उसके हाफ होने का। हम एक मैंगो ले लेंगे, इसको हल्का सा लूज करके इसका ऊपर का ये कैप निकालेंगे। ठीक है, और उसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि हमें उसके कवर के लिए काम आएगी। अच्छा, ये मैंगो की खासियत होती है छोटे होते हैं लेकिन इनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और काफ़ी मीठे भी होते हैं। इसकी गुठली बाहर निकाल लेंगे हम। तो जो वो एक जो कवर है वो रह जाएगा, सारा पल्प जो निकलेगा वो भी हम काम में ले लेंगे। जितना निकले, हमें उसको स्पेशली सारा पल्प नहीं निकालना, जितना अच्छा पल्प निकले, क्योंकि वो आइसक्रीम के अंदर रहेगा तो वो भी खाने में ही आएगा, वो भी अच्छा लगेगा। इसकी गुठली काफी छोटी होती है, ये देखिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे एंड जो है इसको ऐसे फोल्ड करके ठीक है इसको साइड रख देंगे। इसमें से सारा पल्प निकाल लेंगे और जब रबड़ी है उसको ठंडा करके उसके अंदर इसको मिक्स कर देंगे। चलिए ठीक है चेताली, हमने रिड्यूस कर लिया है मैम, इसके अंदर हमने शुगर भी एज डिजायर्ड मिला ली है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा लेकर इसके अंदर मैंगो पल्प जो हमारा था निकला था उसको ले लिया है। ठीक है, और इसको अच्छे से मैश करके इसको मैंगो के अंदर फिल कर दिया है। ओके, ऐसे ही करते हम इसको ऑरेंजेस लेकर ऑरेंजेस को अंदर से स्कूप कर देंगे और ऑरेंज को स्कूप करके ये ठंडा हो जाए, इसको ठंडा हो जाए तो ऑरेंज स्कूप करके उसके अंदर फिल कर सकते हैं, अनार में फिल कर सकते हैं। ओके ठीक है चेतारी, तो इसको कहीं स्टैंड कर दें कि ये कहीं से गिरना नहीं चाहिए। फ्रीजर में 5-7 घंटे के लिए रख देंगे। ओके, मतलब मुझे लग रहा है पूरी ओवरनाइट लग जाएगी। ओवरनाइट, या ये हमने पहले से ही मैंगो में आइसक्रीम करके रखी हुई थी। और ये चेताली कितने अच्छे से ये स्टफ मतलब एकदम पूरी फिक्स हो गई है और बहुत अच्छे से फ्रीज हुई है ये। काट लेंगे। ओके, और बहुत इजीली कट रही है ये पूरी। ओके इस तरीके से। तो चेताली जैसे आपने इसको सर्कल में कट किया है, हम इसको स्लांट भी तो कर सकते हैं, मतलब लंबा कर सकते हैं, तो जिस तरीके से भी वो दिखने में अच्छा लगे वैसे हम इसको सर्व कर सकते हैं। और ये अपनी इच्छा है, अपन इसका पीछे से इसका ये हटाकर छिलका तब भी सर्व कर सकते हैं जी, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही हमने ऑरेंज के अंदर भी आइसक्रीम स्टफ करके रखी हुई है। हाँ जी, ये भी रेडी है बिल्कुल। ये हमने इसका छिलका हटा दिया है। अच्छा, तो देखिए पूरी चारों तरफ मैंगो है एंड बीच में इसमें आइसक्रीम, वेरी नाइस। तो चेताली मैंगो आइसक्रीम रेडी हो गए। हाँ जी, साथ ही ऑरेंज आइसक्रीम भी है लाइए। थैंक यू। तो देखा आपने, गर्मियों की शुरुआत हो तो ऐसी हो। जी हाँ, मैंगो अभी भरपूर आएगा तो उस समय आप मैंगो के साथ बना सकते हैं, अनार के साथ, ऑरेंज के साथ भी हमने इस तरह से बना रखी है। और आप इसके अंदर बहुत सारे और चेंजेस भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एक कंसेप्ट है और साथ में दूध है जिसे उसको अपने को पकाना है रबड़ी की तरह और उसके अंदर हल्का फ्लेवर देना है और फिर उसको सेट करने रख देना है, तो बहुत इसमें मेहनत भी नहीं है। और जो भी हम बनाना चाहते हैं, जिस भी फ्रूट की, उसका पल्प इसमें ज़रूर से डाल दें तो उससे उसकी खुशबू भी आएगी, उसका पूरा टेस्ट भी आएगा। और ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे आपने देखा है कि इसका छिलका रिमूव्ड है, तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। वाओ, गर्मियाँ और ये आइसक्रीम। This is ultimate and fantastic. कुछ भी ज़रूरत नहीं है ना KMS या GMS, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें इस चीज़ के लिए। जस्ट सिंपली घर की चीज़ों के साथ आप इसको बना सकती हैं और कुछ भी। और ऐसा नहीं है कि हमने छोटे आम लिए हैं तो छोटे में ही बनाएं, जैसे अगर बड़े आम जो आते हैं आप उनमें भी बना सकती हैं।
तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें और ज़रूर से बनाए ये मैंगो आइसक्रीम। चेताली थैंक यू सो मच A1 रसोई को समय देने के लिए और एकदम सिंपल रेसिपीज़ में भी आपने जान डाल दी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वर्तिका, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, मैं तो यही कहती हूँ कि हैप्पीनेस के लिए रिश्तों को ज़रूर मजबूत करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी की असली खुशी वहीं पर ही छिपी है जिन्हें हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो भाई उनको इस साल वापस बुलाएं और इस तरीके की रेसिपीज़ जो कि गर्मी की सौगात हैं उन लोगों के साथ एंजॉय करें, रेसिपीज़ का जो मज़ा है वो डबल हो जाएगा। बस इसी तरह से हंसते रहें, खुश रहें और A1 रसोई को ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच।